गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द लर्निफाई यूनिवर्सिटी कैसे हैं आप सभी लोग गुड मॉर्निंग सो so, जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करें जल्दी से आप लोग क्लास ज्वाइन करिए कैसे हैं आप सभी लोग पढ़ाई आपकी सबकी सही चल रही है नहीं चल रही है आप लोग जल्दी जल्दी सेशन ज्वाइन करें जल्दी जल्दी लिंक शेयर कर दो अपने अपने ग्रुप में हरी आप, हरी आप। जल्दी जल्दी मुझे बस एक मिनट दे दो मैं आपका कमेंट सेक्शन ऑन कर लूं फिर हम स्टार्ट करते हैं ठीक है ओके जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन करें जल्दी से एक तो पता नहीं नेट ओके okay. चले स्टार्ट करें फाइन सो आई वेलकम ऑल ऑफ फॉर यूनिवर्सिटी चैनल जहां हम आपको करवा रहे हैं कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर कोर्सेज आने वाले टाइम में बेटा बहुत सारे बैचेस लॉन्च होंगे एम एस सी के लिए एंट्रांस एग्जाम्स के लिए तो हमें क्या करना है अगर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन अप टू टाइम चाहिए तो आपको इसके लिए ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हम ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस लॉन्च कर चुके हैं हमारा लक्ष्य बैच लॉन्च हो चुका है इससे पहले हमारा संकल्प बैच लॉन्च हो चुका था और इससे पहले हमारा अथर्स बैच लॉन्च हुआ था ठीक है तो बहुत सारे बैचेस हम लॉन्च कर चुके हैं और सारे के सारे बैचेस अभी तक हमने जितने भी लॉन्च करे सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है मीनस आपको इन बैचेस में इनरोल करने के लिए लिटरली में एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है ठीक है

इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइम मिल जाएगी मेरी क्लास स्टार्ट होने के साथ ही आपको लिंक्स मिल जाएंगे मींस मेरी क्लास जब स्टार्ट होगी उससे पहले आपको सारे लिंक्स मिल चुके होंगे और इसी के साथ मेरी क्लास के तुरंत एंड होती है आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे के सारी पीडीएफ और आराम से अपनी रिविजन कर सकते हो ठीक है इसी के साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो जो कि आप मुझसे पूछना चाह रहे हो डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाह रहे हो तो वो भी आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जो कर सकते हो मीन यहाँ पे आपका और मेरा एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा ठीक है तो डायरेक्ट इंटरेक्शन अच्छी बात है और इसी के साथ मैं यहाँ आप पे आपके लिए डालती हूँ और पोल्स भी जो की आपके प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ओके स्टूडेंट्स सो जैसा कि अभी ऊपर मैंने आपको बताया था वो हमारा लक्ष्य बैच था ये हमारा संकल्प बैच है जो कि ऑलरेडी ऑनगोइंग बैच चल ही रहा है हमारा तो आप इसमें भी 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 कर सकते हैं हैं ओके फाइन सो जितने मेरे मेरे पुराने स्टूडेंट्स जिनको बारे में पता है वेल एंड गुड बट जस्ट फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े फर्स्ट टाइम मेरे क्लासेस देख रहे हैं उनको भी मैं अपने बारे में बता दो मेरा नाम नेहा है और आप मुझे देख रहे हैं लर्निंग यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पर यहाँ मैं हूँ आपकी जियोलॉजी एजुकेटर ओके एंड मेरी क्वालिफिकेशंस और जो मैंने एग्जाम्स कर रखे हैं वो अगर आपका मन हो तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं और इसी के साथ साथ में दिमाग और अपने दोनों आंखें साथ में लेकर आने जब भी क्लास में आना है क्योंकि तीनों चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है चलो सो स्टार्ट करते अपना आज का सेशन स्टार्ट करें बताओ बोलो ओके okay. तो बस एक मिनट मैं पानी पी लूँ फिर स्टार्ट करते हैं फिर रुकेंगे नहीं चले चलिए तो देखो आ, हमने कल की क्लास में क्या करा था हमने कल की क्लास में फ़ाइलम का बेसिक कैरेक्टर्स देखे थे ठीक है और उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी थी आज हमें उसी एस्किल में एक ऑर्गेनिज्म को जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसको स्टार्ट करना है जो कि हमारा के एस्कैरिसम्ब्रिक्ड्स लुम्ब्रिक्इ्स एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइट्स ये होते क्या है इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होती है और बेसिकली इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है आज की क्लास में हम ये सब देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले के सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास उन बच्चों को बहुत इजीली समझ में आएगी उनके लिए एकदम मक्खन वाली क्लास होगी जिन्होंने कल की क्लास लगाई होगी क्योंकि अगर कल की क्लास में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं मैंने और ये फाइल उसी ये जो ऑर्गेनिज्म है उसी से बिलोंग करता है तो आपका जो भी कैरेक्टर्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे आधे से ज्यादा आपको पता होंगे अगर आपने कल की क्लास लगाई है तो ठीक है चलिए तो किसके बारे में में पढ़ना है हमें एस्केरिस जिसको हम नॉर्मली लैंग्वेज कहते हैं द कॉमन राउंड वॉर्म कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम इसे राउंड वार्म क्यों कहते हैं बताओ क्यों कहते हैं हम इसे राउंड वार्म क्यों कहते हैं कल की क्लास किसने लगाई थी और किसने नहीं लगाई थी ये भी बता दो लगे हाथ बोलो जल्दी इसे हम राउंड वॉर्म क्यों कहते हैं आप बताओगे कुछ ऐसा दिखता है ये देखो कुछ ऐसा दिखता है आपका ठीक है बिल्कुल थोड़ा वाइटिश सा होता है अभी हम इसके स्ट्रक्चर से मॉर्फोलॉजी में हम इसे देखेंगे हम इसे राउंड वॉम इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि अगर आप इसका डाइसेक्ट करो या जैसे सपोज करो कि ऐसे है ठीक है और इसे बीच में से डायसेक्ट कर दो तो ये अगर आप इसको यूँ ऊपर से देखोगे तो ये राउंड दिखेगा दैट्स वाई मिसे क्या कहते हैं इसी वजह से हम इसे कहते हैं राउंड वॉर्म ठीक है चलो तो आज की क्लास का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है आज की क्लास का हमारा सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें पहले इसका इंट्रोडक्शन देखना है ठीक है इंट्रोडक्शन देखने के बाद हमें फिर इसके हैबिटेट्स देखने हैं हैबिटेट्स देखने के बाद इसका साइज शेप कलर ये सब देखना है साइज शेप कलर ठीक है फिर इसके बाद हमें किस पे स्विच करना है देन स्विच दी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे ठीक है तो आज का बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारे क्लास का ऐसे जाएगा इस फ्लो में हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे तो चलिए सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना किससे इंट्रोडक्शन से तो देखिए इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो जैसा कि हमें पता है ये जो ऑर्गेनिज्म हमारा किस फाइलम में आते हैं हमारा आता है राइट right? अब जो निमेटोड्स फाइलम में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली उन्हें क्या कहते हैं उन्हें हम कॉमनली कहते हैं

ये ये जो हमारा फ़ाइलम है, है। क्यों? यहाँ पे हमारा में क्या हो रहा था प्लेटलिंथस फाइलम में जो भी ऑर्गेनिज्म आ रहे थे पहले बात तो उनके पास क्या नहीं था जब भी हमारा प्लेटल मिंथस फाइलम में आ रहे थे किस किस ने प्लेटल मिन्थस वाली क्लास लगाई है बताओ तो देखो प्लेटल फैलम कैसे थे वो हमारे ना तो राउंड थे वो कैसे थे फ्लैट थे बिल्कुल फ्लैट थे ठीक है दूसरा उसमें कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था डाइजेस्टिव सिस्टम वहां पे एबसेंट था नहीं था ठीक है और वहां पे कोई भी ऐसे बॉडी कैविटी नहीं मिल रही थी राइट तो ये किसका था प्लेटलमिथस फैलम का था बट जो हमारा एस्कलमेंथस फाइलम होते है स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या इसमें ना तो ही फ्लैटेंट है राइट क्योंकि राउंड है दूसरी बात यहाँ पे आप प्रॉपर आप बॉडी कैविटी नहीं कह सकते पर हाँ होते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे फॉल्स कैविटी पाई जाती है तो इस जहाँ पे फॉल्स कैविटी पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं सीडोसिलोम्स ठीक है और इसके पास सबसे ज्यादा बिल्कुल फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऐसा है सॉरी फर्स्ट फाइलम ऐसा है जिसके पास क्या है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है हम अभी तक बिल्कुल इस, आ, इस आ, से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं राइट प्रोटोजोआ हमारा सबसे सिंपलेस्ट था और हमारा जो कॉर्डेटा है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है हम प्रोटोजोआ से कॉर्डेटा की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी में ये सबसे फर्स्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का जिसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है ठीक है से अब जितने भी आगे के फाइलम हम पढ़ेंगे उन सब के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ओके फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें से इस फाइलम में आने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या से होते हैं हमारे फ्री लिविंग होते हैं ठीक है और पैरासिटिक होते हैं और सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ये बात मैं सरेकल कर चुकी थी ठीक है अब देखो अ निम एस्केल्मिंथस फाइलम में ही एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या कहते हैं एस्केरिस लंब्रीकोइड्स ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली क्या है ये एक एंडो पैरासाइट है क्या है स्टूडेंट्स इट इज एन एंडो पैरासाइट्स व्हाट इज एंडो पैरासाइट्स बताओ व्हाट इज एंडो पैरासाइट्स देखो एंडो पैरासाइट्स क्या होते हैं पैरासाइट्स का मतलब पता है कि जो कहीं किसी के ऊपर क्या हो स्टिक करके रहे ये क्या करते हैं ये एंडोपैरासाइट होते हैं मीन्स कहीं अंदर प्रेजेंट अंदर कहाँ प्रेजेंट है ये ह्यूमन के स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं तो देखो एंडोपैरासाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो हैबिटेट है इनका जो हैबिटेट है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ दी ह्यूमन हमारी बॉडी में हमारी बॉडी की स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं इसी वजह से मैंने क्या कहते हैं इसी वजह से मैंने कहते हैं एंडो पैरासाइट हर्ष बेटा हिंदी मीडियम में मतलब आप ये चाहते हो कि पूरा कंटेंट हिंदी में हो हिंदी में समझा सकते हैं मैं हिंदी में आपको बिल्कुल अच्छे से समझा सकती हूँ पर कंटेंट आपका इंग्लिश में ही होगा ठीक है हर्ष क्योंकि चलिए तो देखो अगर मैं किसकी सबसे बेस्ट या कॉमन एग्जांपल है एज अ पैरासाइट्स इन फाइलम वो क्या है वो हमारा ठीक है तो वैसे वैसे क्या कहते हैं पैरासाइट ऑफ ह्यूमन क्यों क्योंकि ये ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है इसी वजह से चलो अब बात करते हैं अगर मैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करूं कि बेसिकली आ एनिमल किंगडम में इसको किस बेसिस पे अरेंज करा गया है तो देखो सबसे फर्स्ट क्या है अगर फाइलम से भी ऊपर मैं बात करूं तो फाइलम से भी ऊपर क्या आएगा फाइलम से भी ऊपर आएगा स्टूडेंट किंगडम राइट किंगडम क्या होगा किंगडम होगा हमारा एनिमिलिया पांच किंगडम है हमारे पास फाइव किंगडम्स हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं कौन-कौन सी बताओ फर्स्ट वन इज मोनेरा सेकंड वन इज द प्रोटेस्टा थर्ड वन इज द फंजाई फोर्थ वन इज द प्लांटी और फिफ्थ वन इज द एनिमेलिया ये पांच किंगडम हम फॉलो करते हैं पर अब सिक्स किंगडम भी हो चुका है जिसमें तीन डोमेन्स आ चुके हैं पर अभी भी हम फाइव किंगडम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं सिक्स किंगडम डिस्कवर कर चुके हैं हम तो देखो किंगडम क्या होगा इसका एनिमेलिया उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइलम की तो फाइलम में किस फाइलम में डाला हमने निमाटोड इसी दूसरी निमाटोड का दूसरा नाम होता है क्या एस्केल मिंथस क्या होता है एस्केल मिंथस राइट अब अगर उसी में मैं क्लास की बात करूं तो कल जब मैंने आपको कल की क्लास किस किसने लगाई ये बताओ क्योंकि आज की क्लास कल की क्लास से थोड़ी बहुत रिलेट कर रही है इसी वजह से देखो मैंने कल आपको बताया था कि इस फाइलों में दो तरीके की क्लास आती है ठीक है उसी क्लास में से एक क्लास है आपकी क्या फास्ट मीडिया तो इस क्लास में आता है अगर ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर हमारा क्या एस्कैरिडियाई सब ऑर्डर है उसका एस्कैरिनियाई फैमिली है इसकी एस्कैरिडियाई जीनस है इसका एस्कैरिस और स्पीशीज क्या है स्पीशीज है इसकी लुम्बरे कॉइट्स तो ये क्या है इसकी एक पोजीशन है हमारे किंगडम में राइट चलो ये देखो कुछ ऐसे दिखते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे दिखते हैं राइट ये वाला आपका फीमेल है और ये वाली मेल है मेल की बॉडी हमेशा छोटी होती है फीमेल हमेशा इसमें लंबी होती है और बड़ी होती है ठीक है और फीमेल और मेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश होता है इसी वजह से हम इसे आगे बताऊंगी कि क्या कहते हैं चले तो ऐसे देखते हैं और भी मैं आपके लिए पिक्चर्स लेकर आई हूं ये देखो अगर इंटस्टेन में कभी देखोगे ना तो ऐसे देखेंगे गलती से देख में मत लेना मतलब आज लिटरली में जब मैं आपके लिए बना रही थी ना पीपीटी तो मुझे ऐसे इन कीड़ों से बॉर्डर लगता है ऊपर से ऐसे ऐसे इमेजेस देखनी पड़ी है मुझे ये देखो दिख रहा है ऐसे होते हैं ये वो देख सकते हो ये देखो ये इंटेस्टाइन में से निकाले गए इतने सारे ये भी इंटेस्टाइन के अंदर भरे पड़े हैं समझ गए कि कहा होते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आता हम पढ़ते क्यों है अच्छा किन किन को ऐसे है? मतलब किसी ने देखा है कभी ऐसी चीजें बताओ बोलो मतलब मुझे तो ये चीज इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है बट पर्सनली मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीजों से चलो अब बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन की हैबिट की और की कि ये ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ये पैरासाइट है पर इसके अलावा भी कुछ इसके सेकेंडरी कह सकते हैं होस्ट ढूंढे गए हैं जो कि अभी कभी 1936 थर्टी सिक्स में ढूंढे गया था किसने गुड इन्होंने क्या बोला था कि इनके और भी तरीके के होस्ट हो सकते हैं अगर हम ह्यूमन को छोड़ के और भी तरीके के होस्ट की बात करें तो वो होंगे आपके पिक्स कैटल शिप ठीक है और स्कैर ये सब क्या है ये सब इनके और भी एडिशनल होस्ट हो सकते हैं पे हैं एडल्ट किसकी स्मॉल इंटरस्ट मोर फ्रिक्वेंटली ऑफ चाइल्ड देन द एडल्ट में कम पाए जाएंगे अगर हम ह्यूमन की भी बात करें तो ह्यूमन के एडल्ट में कम पाए जाएंगे और चिल्ड्रंस में ये ज्यादा पाए जाते हैं उसके बाद कॉस्मो एक वर्ड आता है कॉस्मोपोलिटन पटेल क्या नो नो का मतलब क्या होता है मतलब किस लिहाज़ में आप नो कहना चाह रहे हैं बताइए देखो एक वर्ड आता है बायोलॉजी में कॉस्मोपोलिटन कॉस्मोपॉलिटन जहां भी वर्ड आ जाए ना इसका मतलब होता है फाउंड एवरीवियर क्या मतलब होता है फाउंड एवरीवियर मींस इनका ऐसा इन्वायरमेंट है कि कहीं भी मिलेंगे स्मॉल इंटर में मिलेंगे एक्वेटिक मीडियम में भी मिलेंगे आपको सॉइल में भी मिलेंगे आपको टेरेस्ट्रियल में भी मिलेंगे तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल इन्वायरमेंट्स होना कि बेसिकली आप ऐसे ऐसे जगह भी नहीं सोच सकते जहाँ पे ये मिल जाएंगे तो इन ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं कॉस्मोपोलिटन राइट तो ये कैसे होते हैं कॉस्मोपोलिटन इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और मेनली कहाँ मिलते हैं इंडिया में चाइना में कोरिया में पैसिफिक आइलैंड्स में ये सारी जगहों पर ये हमें मिलते हैं चाइना में क्यों मिलते होंगे इंडिया में छोड़ो अब बात करते हैं इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की यहां तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक जितना पढ़ा किसी को कोई दिक्कत अब कुछ भी ना समझ में आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन ओके चलो अब अगर इनके साइज और शेप की बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर कि इनका अगर साइज की बात करू स्टूडेंट्स तो इनका साइज कैसा होता है क्योंकि हमें पता है यहाँ पे दो तरीके के कह सकते हो कि डाइशियस 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 है नहीं है दाईशीयस है नहीं का मतलब होता है कि अलग अलग इंडिविजुअल है फीमेल अलग है और मेल अलग है तो यहां पे हमें दो तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे एक होगा हमारा क्या एक होगा हमारे पास मेल दूसरा क्या होगा दूसरा होगा हमारे पास फीमेल अब मैंने यहाँ पे एक चीज बताई आपको कि मेल की जो बॉडी होती है वो फीमेल की बॉडी से छोटी होती है मीन्स यहाँ पे हमारी फीमेल बड़ी होती है तो अगर मैं उनके साइज की बात करू तो देखो जो मेल का साइज होता है मेल का साइज होता है ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेंटीमीटर ये लंबे हो सकते हैं ठीक है ठीके? और दूसरा एक सेकेंड Uh, हाँ यहाँ पे हम इसके लेंथ की बात करेंगे और इसका डायमीटर अगर मैं इनके लेंथ की बात करूं किसके अगर मैं इनके लेंथ की बात करूं तो जो इनकी लेंथ होगी वो होगी हमारी ट्वेंटी सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी सेंटीमीटर इतनी हो सकती है अगर मैं इनके डायमीटर की बात करूँ तो इनका जो डायमीटर होगा थोड़ा फास्ट बताऊं ओके तो फास्ट डायमीटर होगा टू टू फोर नैनोमीटर अगर इनकी फीमेल बॉडी की बात करूँ तो फीमेल में भी कैसे होगा फीमेल में भी, भी हम लेंथ और डायमीटर की बात करेंगे अगर मैं इनके लेंथ की बात करूँ तो लेंथ इनकी कितनी होगी लेंथ होगी यहाँ पे इनकी ट्वेंटी टू फोर्टी सेंटीमीटर ठीक है मीन्स बीस से चालीस सेंटीमीटर की हो सकती है अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर इनके कितनी होगी फोर टू सिक्स नैनोमीटर राइट right? ये इनका साइज हो गया और इनकी जो शेप होती है अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप इनकी कैसी होगी शेप होगी इनकी इलोंगेटेड एक सेकेंड शेप कैसी होगी इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल ठीक है ये इनकी क्या होगी इनकी शेप होगी चलो इनका जो कलर होता है कलर इनका कैसा होगा इनका कलर होगा आपका येलो टू लाइट पिंक अगर ये बिल्कुल कैसे होंगे अगर बिल्कुल फ्रेश होंगे बिल्कुल फ्रेश होंगे तो इनका कलर कैसा होगा येलो टू लाइट पिंक होगा इन कलर और अगर बेटा ये सेमी ट्रांसपेरेंसी से शो करते हैं बेसिकली थोड़े से ट्रांसपेरेंट दिख रहे होते हैं तो इनके अंदर के भी हमें फाइंड आउट हो सकते हैं हम बाहर से देख सकते हैं इजिली ठीक है तो इनके कलर की बात होगी अब देखो इनकी जो बेसिकली बॉडी होती है ना उस पर ना एक लाइनिंग होती है लॉन्गिट्यूडनल जिसे हम कहते हैं लाइनिंग स्ट्रिक्ट जैसे कि आप ये देख सकते हो ये जो है ये जो ब्लैक कलर के डॉट डॉट से दिख रहे हैं आपको इस वाले में भी दिख रहे होंगे और इस वाले में भी दिख रहे होंगे तो ये क्या है बेसिकली इनकी लाइनिंग से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक्स कहते हैं ठीक है और आप इसमें क्या कह सकते हो लेटरल लाइनिंग भी कहते हो ये बेसिकली यहाँ पे ना कितनी कितनी होती है यहाँ पे होती है आपकी चार तरह की कैसी देखो एक होती है आपकी मिड डोरसल ठीक है टू होंगी आपकी टू होंगी आपकी लेटरल और एक होगी आपकी मिड वेंट्रल तो एक होगी मिड डोर्सल एक होगी मिड वेंट्रल दो कैसे दो आपकी राइट? किसको और वेंट्रल का पता है? व्हाट इज डोर्सल एंड व्हाट इज वेंट्रल क्योंकि तभी समझ में आएंगी देखो डोर्सल एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल और डोर्सल इन दोनों का मतलब समझ के रखो जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मेरा जो आप आ, सामने से पोर्शन देख रहे हो मेरा आपके लिए क्या है एंटीरियर है मेरे बैक क्या होगी आपके लिए पोस्टीरियर होगी अगर मैं आपको हाथ से समझाऊ तो ये वाली जो साइड है दैट इज डॉर्सल और ये वाली जो साइड है दैट इज वेंट्रल ओके ठीक है तो यहाँ पे देखो रनिंग अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी आर फोर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक्स चार लॉन्गिट्यूड स्ट्रिक्स आती है कौन कौन सी एक आती है आपकी मिड डॉर्सल दूसरी आएगी आपकी टू लेटर और तीसरी आपकी आती है तीसरी ये एक मिड वेंट्रल डॉर्सल और जो वेंट्रल होती है डॉर्सल हो गया बेटे ये ऊपर वाला वेंट्रल हो गया ये वाली साइड ठीक है तो देखो डॉर्सो और वेंट्रल लाइन आर वेरी प्योर ये बिल्कुल प्योर व्हाइट लाइंस होती है इसी वजह से कभी भी आपको ये डॉर्सल और वेंट्रल वाली लाइनिंग्स नहीं दिखेंगी ठीक है और जो ये आपको कौन से दिखेगी सिर्फ और सिर्फ दो लेटरल लाइन दिखेंगी जो आपको मैंने ब्लैक कलर की दिखाई है ये जो ब्लैक कलर की मैंने आपको डॉट दिखाए थे ये ब्लैक कलर वाली कौन सी है ब्लैक कलर वाली आपकी लेटरल तो सिर्फ और सिर्फ आपको लेटरल लाइंस दिखेंगी डोर्सल और वेंट्रल लाइंस आपको नहीं दिखेंगी ठीक है चलो ये जो लाइनिंग्स होती हैं ये लाइनिंग्स बेसिकली होती क्या है तो मैंने कल आपको ना बॉडी वॉल्स बताए थे कि जो बॉडी वॉल्स होते हैं तीन तरीके की होती, एक होती है हमारी क्यूटिकल सबसे आउटर मोस्ट होती है क्यूटिकल के अंदर होती है एपिडर्मिस ठीक है और एपिडर्मिस कैसे होती है एपिडर्मिस होती है यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड

ये समझ में आगे बताओ बोलो क्लियर है ये चीज चलिए अब बात करते हैं क्या अब बात करते हैं इसके एंटीरियर फेस की डॉर्सल और वेंट्रल पे सिर्फ और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रिक्स आते हैं ठीक है अब बात करते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर की तो ये जो आपने वाला जो अभी अपने ऊपर वाला डायग्राम देखा है ये वाला ये वाला अगर मैं इसमें आपको एक्सेस बताऊं तो जिस साइड माउथ होता है वो क्या होता है इसका एंटीरियर पोर्शन होता है ठीक है और जिस साइड इसका एनस होता है ये वाला पोर्शन क्या होता है पोस्टीरियर होता है

एंटीरियर एंड आते हैं एंटीरियर एंड इज राउंडेड कैसा होता है ये राउंड होता है बियरिंग स्मॉल टर्मिनल ट्राई रेडिएट माउथ अपर्चर गार्डेड बाय द थ्री ब्रॉड लिप्स एंड लेबिया यहाँ पे ये यह वाला डायग्राम देखो ये क्या है इसका एंटीरियर पोर्शन है क्या है इसका एंटीरियर पोर्शन आप इसे कैसे देख रहे हो यू नहीं देख रहे हो यूं जैसे अगर ये लंबे में है तो आप इसे ऊपर से देख रहे हो ठीक है समझ रहे हो कैसा कैसी इमेज है ये ऊपर से देख रहे हो आप इसे तो ऊपर से देखने में ये चीज ऐसी लगती है इसका माउथ अब इसके माउथ पे क्या है इसके माउथ पे आप यहाँ पे देखो एक तो ये राउंडेड है कैसा है एक तो राउंड है ठीक है यहाँ पे राउंड होने के साथ साथ यहाँ पे क्या है इसके तीन तरीके के लिप्स है क्या यहाँ पे तीन तरीके के लिप्स पाए जाते हैं दूसरा कलर लेते हैं थ्री लिप्स जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं लिप्स को लेबिया भी, भी कहते हैं लिप्स को क्या कहते हैं लेबिया कौन कौन से पाए जा रहे हैं एक यहाँ पे पाया जा रहा है आपका लेट्रो वेंट्रल लिप्स फर्स्ट वन इज दी लेट्रो वेंट्रल लिप्स चिकन एक लिप पाया जा रहा है कहाँ पे मार्जिन पे जो कि आपका क्या है मार्जिन ऑफ लिप्स एक है आपका इस वाले स्ट्रक्चर में आई थिंक नहीं दे रखा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, है चलो तो देखो यहाँ पे जो आपके तीन तरीके के लिप्स पाए जाते हैं उनके मैं नाम लिख देती हूँ एक तो आपका क्या था डॉर लेट्रो वेंट्रल लिप्स दूसरा क्या है आपका इलिप्टिकल और तीसरा क्या है सब वेंट्रल ठीक है एक है लेट्रोवेंट्रल लिप्स एक है आपका इलिप्टिकल और एक है आपका क्या सब वेंट्रल लिप्स तो यहाँ पे देखो दीज आर बेस्ट सीन इन फेस इन फेस मतलब क्या होता है इन फेस मतलब होता है फ्रंट ऑफ द फेस फ्रंट ऑफ फेस राइट तो वन लिप इज मिड डोरसल एक लिप कैसा होता है आपका मिड डॉर्सल होता है एक होता है आपका वन इज मिड डोरसल और एक होता है सब वेंट्रल और एक होता है वेंट्रल लिप ये तीन तरीके के आपके होते हैं लिप्स तो यहां पे देखो इस वाले स्ट्रक्चर में इस वाले स्ट्रक्चर में एक लिप येरा लिप लिप ये तीन लिप्स है इन दोनों के बीच में ये वाला लिप प्रेजेंट है हम इस, इस लिप को क्या कहते हैं मिड वेंट्रल लिप्स क्या कहते हैं मिड वेंट्रल लिप्स ठीक है ये वाले लिप्स को हम क्या कहते हैं इस वाले लिप्स को हम कहते हैं लेट्रल वेंट्रल लिप्स और इस वाले लिप्स को क्या कहते हैं इस वाले लिप्स को हम कहते हैं एमफिड भी कह सकते हैं और सब वेंट्रल लिप्स भी कह सकते हैं तो तीन लिप्स होते हैं यहाँ पे तीनों लिप्स के अलग अलग नाम है और लिप्स को हम क्या कहते हैं लिप्स को हम लेबिया भी कहते हैं ओके ये चीज समझ में आई बताओ बोलो ठीक है अब देखो जितने भी हमने लिप्स देखे इन लिप्स के क्या इनर और ओरल मार्जिन ऑफ इच लिप्स बियर माइन्यूट डेंटिकल्स हर लिप्स के मार्जिन पे क्या है एक कह सकते हो ये वाला स्ट्रक्चर है ये देख रहे हो ऐसे छोटे छोटे से निकले हर लिप्स के मार्जिन पे सेट भी निकले जो कि थोड़े अटैच हो गए इस सेट पे ऐसे छोटे छोटे से है हर लिप्स के मार्जिन पे निकले हुए इनको हम क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं स्टूडेंट डेंट्री क्या कहते हैं डेंट्रिकुलेट इन डेंट्रिकुलेट का नाम अभी आप देखिए इसका आगे क्या फंक्शन है तो देखो अगर मैं बात करूं इनके फंक्शंस की तो दिस इनर मार्जिन ऑफ लिफ्ट फ्रॉम दॉस्ट ऑफ रेस्पिंग सरफेस रेस्पिंग मींस क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे से धागे निकले हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं है, रेस्पिंग सरफेस ठीक है तो आउटर सरफेस ऑफ ईच लीव्स बेयर मिन्यूट सेंसरी पेपिलाए पेपिलाए क्या होते हैं जैसे कि हमारे टंग के ऊपर ना बहुत तरीके के अलग-अलग तरीके के क्या है अलग-अलग तरीके के पेपिलाइज हैं पेपिलाइज मींस अगर हम अपने टेस्ट बड्स की बात करो तो हमें अगर कोई मीठे का स्वाद आ, आ रहा है तो क्यों आ रहा है ठीक है तीखे का स्वाद आ रहा है तो क्यों आ रहा है क्योंकि हमारे पे टेस्ट वर्ड्स अलग अलग तरीके के प्रेजेंट है जिनको हम कहते हैं पेपिलाई वो टेस्ट वर्ड्स हैं बेसिकली यहाँ पे जो पेपिलाई प्रेजेंट है वो क्या है सेंसरी पेपिलाई से मीन्स वो किसी चीज को सेंस करने का काम करेंगे अब इनको सेंसिंग क्यों जरूरी है बताओ ये लोग सेंस क्यों करेंगे बोलो हम्म तो देखो सेंस इसी वजह से कहेंगे कि कोई इनके सामने कोई और ऑर्गेनिज्म ना आ जाए ठीक है या अगर हमारे स्टमक में रहते हैं हमारे स्मॉल वहाँ पे तो न्यूट्रिशन चाहिए और तो के लिए भी सेंस करेंगे ठीक है तो इन सारे के सारे लिप्स के पास क्या होता है अपने खुद के सेंसरी पेपिलाइज होते हैं ठीक है और वो जो सेंसरी पेपिलाइज होते हैं वो आपके देखो ये देखो जितने भी लिप्स है तीनों के तीनों लिप्स पे आपके डबल सेंसरी पेपिलाइज होते हैं ये वाला स्ट्रक्चर ये जब देख रहे हो ये एक एक ये और यहाँ पे यहाँ पे ये वाला ये थोड़े से इमेज ना ऐसे ब्लर है ठीक है तो यहाँ पे आपके दो पेपिलाइज थे यहाँ पे आपके दो पेपिलाइज हैं और यहाँ पे आपके दो पेपिलाइज हैं दैट इज ये सारे के सारे क्या हैं डबल सेंसरी पेपिलाइज हैं ठीक है ठीके? जो बेसिक क्या करेंगे सेंस करने का, का काम करेंगे ओके तो देखो डॉर्सल लिप बियर टू डबल यहां पे पे on जितने भी pap, आ, है, वो सारे के सारे क्या है उनके पास पेपिलाईजर इच वेंट्रल लिप्स भी इन इट्स वेंट्रल पोर्शन एंड सिंगल पेपिलाई इन दिट्रल पोर्शन यहाँ पे डबल के साथ साथ सिंगल पेपिलाईज भी है बट उन सबके पोजिशन में क्या है पोजिशन डिफरेंस है किसी के पास लेटरल पोजिशन पर है तो किसी के पास क्या है वेंट्रल पोजिशन पर पेपिलाइज है ओके चलो अब बात करते हैं इनके पोस्टीरियर एंड पे क्या है यहां तक समझ में आया अब देखो पोस्टीरियर मींस इनका बैक एंटीरियर का हमने कंप्लीट कर लिया एंटीरियर पे जितने भी इनके फेस वाले थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है एंटीरियर पे किसी को कोई दिक्कत तो प्लीज आस्क मी एंटीरियर पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ चार्ज नहीं हो रहा एक बात हो तो पहले तो तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते हो? एटलीस्ट इतना रिस्पॉन्स तो करा करो कि समझ में आया है या नहीं आया है क्योंकि बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो यार क्या दिक्कत होती रिस्पॉन्स करने का मन नहीं करता कैसे पता चलेगा मुझे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बोलो रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों का अगर आ रहा है तो भी बताओ नहीं आ रहा तो भी बताओ पर एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करो क्लास में आके ऐसे चुप्पी मार के नहीं बैठनी होती चलो स्टार्ट करते हैं तो अगर आपको सारे के सारे पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगी आपको मिल जाएगी बेटा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे तो आप इसे ज्वाइन जरूर कर लेना और प्लीज रिवाइज कर कर आना और प्लीज क्लास में रिस्पॉन्ड करा करो ठीक है बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते आप लोग चलो अब बात करते हैं क्या पोस्टीरियर एंड्स की देखो जो हमारी मेल होती है और जो हमारे फीमेल होती है ये सारे के सारे मतलब दोनों के दोनों में आप इनका पोस्टीरियर एंड देख कर ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है मीन्स यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे सेक्सुअल डायमोरफिज्म होते हैं क्या होते हैं यहाँ पे सेक्शुअल डायमोरफिज्म होते हैं वो दोनों के दोनों प्रॉपर क्लियर शो करेंगे कि हाँ ये वाला अराउंड वॉर्म आपका मेल है और ये वाला राउंड वॉर्म फीमेल है ठीक है देखो जो फीमेल का पोस्टीरियर एंड होगा वो बिल्कुल कैसा होगा वो बिल्कुल आपका स्ट्रेट होगा मीन्स अगर मैं फीमेल ड्रॉ करूं तो देखो अगर फीमेल होगी तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी ऐसी ठीक है पर अगर मेल हुआ अगर स्टूडेंट्स मेल हुआ तो मेल का जो पोस्टीरियर है वो कुछ ऐसे क्या होगा ऐसे आपका कर्व रहेगा ऐसे आगे क्या हो जाएगा ये एंटीरियर है ये वाला पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर पे आके वो कर्व हो जाएगा तो जिन में का posterior कर्व हो, हम हम क्या बोल सकते? हम बोल सकते सकते हैं हैं उसको अपना ठीक है चलो मिड वेंट्रल ट्रांसवर्स अपर्चर और एनस जो फीमेल है फीमेल के एंडिंग पे क्या होता है एनस होता है देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में नहीं दिखाया हुआ है वो एनस पर इनके एंड्स पे क्या होते हैं इनके एंड्स पे होता है प्रेजेंट एनस ठीक है गार्डेड बाय थिक लिप्स ओनली डाइजेस्टिव ट्यूब ओपन टू द आउटसाइड टफ मेरे पास एक दूसरा डायग्राम है उस डायग्राम में एनस दिखेगा एक सेकेंड आ जा भाई ये रहा ये वाला डायग्राम देखो आप इनसे फाइंड आउट कर सकते हो ये देखो ये क्या है ये मेल है क्यों कैसे पता चला क्योंकि आगे जाके इसका पोस्टीरियर एंड कैसा होगा पोस्टीरियर एंड इसका कर्व हो गया ये वाली क्या है ये वाली फीमेल है ठीक है जो कि बिल्कुल आपके स्ट्रेट है ऊपर ये दोनों इनके फेयरिंग्स हैं इसके बाद इनके नर्व ड्रिंक्स हैं ठीक है उसके बाद इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं यहाँ पे इन दोनों की इंटेस्टाइन है ओके इंटरस्टैंड के बाद मेल में इंटरस्टैंड के तुरंत बाद क्या आता, है? टेस्टिस आता है. टेस्टिस में जो भी आगे किस में आती है आपकी ओवरी ओवरी से क्या होंगे ओवरी से एग रिलीज होगा एग अगर रिलीज हुआ तो यहाँ पे देखो ये जो अपर्चर है ये स्टूडेंट्स ये क्या है दैट इज वल्वा क्या है ये वल्वा वल्वा क्या होगा यहां से जो स्पम यहाँ से रिलीज हुआ है वो स्पम यहाँ इस वल्वा के थ्रू एंटर लेगा ठीक है एंट्री जब वो स्प लेगा तो यहाँ पे एग क्या है एग रिलीज हो चुका है एग के साथ वो फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइज करने के बाद इस यूट्रस में जो यूट्रस है यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा और ग्रोथ शो करेगा ठीक है फिर वलवा के बाद क्या यहाँ पे इंटेस्टाइन है ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये रहा इनका एनएस पर मेल में इनका एन एस वाले पोर्शन के पास और चीजें हैं प्रॉपर एनएस नहीं है ठीक है तो यहाँ पे यही कह रहा है पोस्टीरियर एंड्स पे कि कहाँ गया हाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव टू आउटसाइड खुलती है और हमारा एनएस क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है एस ठीक है तो यहाँ पे एन बाहर बहार के साइड प्रेजेंट होता है इन मेल इज रिप्लेस्ड बाय अ रिप्लेसोका पर मेल में देखो अभी मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया कि मेल में कोई भी एनल नहीं प्रेजेंट है क्यों वहाँ पे जो एनल है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है वो कन्वर्ट हो चुका है हमारे क्लोयका में ठीक है ये क्या होता तो है ये कॉमन आप कह सकते हो कॉमन ओपनिंग है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स एनस के और इसके स्पम इस के मीन्स एक तो स्पम डक्ट भी यहीं आके खुल रही है और यहीं पे इसका क्या है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहीं आके ओपन हो रहा है किसके थ्रू एनस के थ्रू तो फीमेल में प्रॉपर एनस पाए जाते हैं एनएस के अलग ओपनिंग होती है वल्वा की अलग ओपनिंग होती है याद रखना पर मेल में क्या होता है मेल में एनस और आपका जो स्पम डक्ट है वो एक साथ कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं क्लोएका क्लोएका एक ओपनिंग होती है पोर भी आता है और हमारा क्या कह सकते हैं हम ट्यूब बेसिकली भी आती है ठीक है चलो ये देखो ये हमारा क्या ये हमारा क्लोएका अपर्चर ये दैट इज क्लोएका अपर्चर ओके अब बात करें इस क्लोए का अपर्चर के ऊपर दो स्पाइकुलस प्रेजेंट होते हैं ऐसे अगर मैं इसे मिटाऊं इस क्लोए का अपर्चर के ऊपर आप ये देख सकते हो यहाँ पे दो स्पाइकुलस प्रेजेंट है स्पाइकुलस जिसे हम क्या कहते हैं पेनियल सिटे और स्पाइकुलस ये क्या काम करते हैं ये स्पाइकुलस आपका इस पंप का ट्रांसफर करवाते हैं किसमें फीमेल में ड्यूरिंग जब ये आप कह सकते हो कि कार्पोरेशन करते हैं उस वक्त ये इसी इस स्पाइकुलस से क्या होता है इसी स्पाइकुल से स्पम में जो मेल आ, मेल में जो स्पम बनता है वो कहा जाता है वो ट्रांसफर होता है फीमेल वजाइना में ठीक है इस चीज समझ में आई कि यहाँ पे क्लोएका होती है क्लोयका की दो ओपनिंग यहाँ पे आके क्लोएका में दो ओपनिंग खुलते हैं एक तो हमारी एनस की दूसरा हमारा स्पम डी में खुलता है जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं जेनेटल ट्यूब ठीक है और इसी क्लोएका के ऊपर दो हमारे स्पाइकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं जो कि मेल में जो स्पम्प बना है मेल राउंड में वो स्प को फीमेल राउंड में इंजेक्ट करवाते हैं ड्यूरिंग कार्पस ठीक है अब देखो अब ये जो कोर क्या है यहाँ पे एक टेल प्रेजेंट होते है, जिसे हम क्या कहते हैं जो कि होते हमारे कर्व टेल ठीक है सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होती है क्योंकि वो वहां पे क्या होती है कर्व हो जाती है फिर टेल एंड ऑफ मेल बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस जेनेटल पैपलाय ऑन वेंट्रल सरफेस जो यहाँ पे क्या कह सकते हो आप इस पम्प के जो पोस्टीरियर एंड पे जो टेल प्रेजेंट है जो कि बेसिकली क्लोयका बना रही है उस क्लोयका के टेल वाले पोर्शन पे बहुत सारे पेपलाइस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आप इस वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हो ठीक है ये क्या है ये, उस, ये मेल का ही इस वाले पोर्शन को यहाँ पे इन्होंने इन करके दिखाया हुआ है ठीक है कि उसके टेल और टेल पे क्या प्रेजेंट है ये देखो क्लोइकल अपर्चर है is, अपर्चर इसी क्लोइकल अपर्चर पे क्या होंगे स्पाइकुलस होंगे जो कि इस पंप को इंजेक्ट करवाएंगे फिर मेल में इसी क्लोइकल अपर्चर के पास आप डॉट डॉट से देख रहे हो ये देखो यहाँ पे है ये 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 ठीक है ये क्या है ये आपके पैपिलाइज है यहाँ पे दो तीन तरीके के पेपिलाइज होते हैं जो मैंने ऊपर चार आपके रेड वाले बनाए ये वाले इन्हें इन्हें हम हम क्या कहते है? इन हैं कहते हैं हैं पोस्ट एनल क्या कहते हैं स्टूडेंट्स दैट इज पोस्ट एनल पेपिलाई ठीक है नीचे वाले भी आपके क्या कहलाते हैं नीचे वाले भी आपके पोस्ट एनल पैपिलाइज कहलाते हैं और ये जो ऊपर आपके छोटे छोटे चार पांच तरीके के दे रखे हैं दैट इज ग्रीन वाले ये एक ये ये क्या कहलाते हैं ये प्री एनल पेपिलाई कहलाते हैं अब देखो इसे प्री एनल और पोस्ट एनल क्यों कहते हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है क्लोएका प्रेजेंट है क्लोएका भी हमारा एनस खुल रहा है क्लोएका में जेनेटल ट्यूब भी खुल रही है तो क्लोएका के ऊपर जो प्रेजेंट है दैट इज प्री एनल पेपिलाइस और क्लोएका के नीचे जो प्रेजेंट है दैट इज पोस्ट एनल पेपिलाइस ठीक है ओके तो यहाँ पे यही चीज लिखा है देर आर फिफ्टी पेयर ऑफ प्रीएनल पेपिलाइज प्रीएनल के कितने होते हैं प्रीएनल पेपिलाइज कितने होते हैं प्रीएनल पेपिलाइज होते हैं फिफ्टीन पेयर मीन्स हंड्रेड टोटल अगर मैं वैसे काउंट करूँ हंड्रेड होगा और पोस्ट एनल पेपिलाइज कितने होते हैं पोस्ट एनल पेपिलाइज होते हैं फाइव पेयर में ओके okay? तो ये याद रखना चलो So, सो साथ वी हैव विद ऑफ़ उम्मीद कि समझ में आ गया होगा अगर किसी को कोई है कर क्योंकि आप तो वैसे भी नहीं कर रहे कोई so, को पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ मिलेगी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जिसका स्कैनर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया के साथ साथ अगर आपको सारी पी डी एफ नोटिफिकेशन सारे भी इंटरेक्ट करना है कोई भी डाउट है आपको वो पूछना है जब क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो तो वो सारे के सारे आप मुझसे पर्सनली आके पूछ सकते जो कि आपको मिलेगा मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है आप यहाँ पे मुझसे आके पूछ सकते हो अपने सारे डाउट्स ठीक है तो इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट कर करती हूँ अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल लर्नी फाइव को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसी के बाद सुशांत सर की क्लास है तो कहीं जाइएगा मत यहीं रुक सुशांत सर आएंगे वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ठीक है बी हैप्पी बी सेफ थैंक यू सो मच